अगर फैसला कर ले कि दहेज मिटाना है और एक दफे फैसला कर ले तो उस पर डटे रहे। जून 1980 इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के जिंदगी की आखिरी सुबह सफदरजंग एयरपोर्ट के इसी रनवे से संजय गांधी ने सुबह ठीक 7:58 पर उड़ान भरी। संजय गांधी आसमान में सुबह की सैर करना चाहते थे। लेकिन उनकी ये उड़ान अधूरी रह गई, वो इस रनवे पर वापस कभी नहीं लौटे। एक पढ़ा लिखा नौजवान एक साल में एक आदमी को भी पढ़ना लिखना सिखा दे तो 2 साल में हिंदुस्तान में कोई भी अनपढ़ नहीं बचेगा। जिस दिन संजय गांधी जी की मृत्यु हुई वो सवेरे ही सफदरजंग एयरपोर्ट पे जो एक पिट्स छोटा पिट्सबर्ग में हवाई जहाज का नाम था मेका और उसके ऊपर वो उड़ान भरने के लिए गए थे। सवेरे जल्दी उठ जाते थे और लगभग रोज इस एरोबैटिक्स के लिए या इस तरह से सफदरजंग एयरपोर्ट से करते थे। सुबह उनको पालम तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और अपने साथ किसी न किसी को साथ में रखते थे, बुला के ले जाते थे। तो उस दिन मज़ार सिंधिया के जाने की दिन था तो मज़ार सिंधिया ने कुछ उनको कुछ ज़रूरत पड़ गई, कुछ इसी तरह की उनको कठिनाई थी तो नहीं जा पाए तो अकेले गए। सफदरजंग एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर 23 जून 1980 सुबह 8:10 पर यही वो नीम का पेड़ है जहां संजय गांधी का विमान आ टकराया था और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। नीम का ये पेड़ आज सूख गया है। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की इस विमान हादसे में मौके पर ही मौत हो गई थी। संजय गांधी खुद उस विमान को उड़ा रहे थे। हम फिर एकदम भागते गिर गया, आवाज आई गिर गया ऐसे बोल के हम एकदम भागे आए। फिर आके देखा तो एकदम जहाज यहाँ से वहाँ तक गठसा हुआ था और हमें पता नहीं था उस टाइम पर संजय गांधी है। बहुत गोरे थे वो, उनका एक चप्पल नीचे गिरी थी, उसमें से टूटा हुआ था जहाज, उसमें से एक चप्पल नीचे गिरी थी। तो देखते फिर हमारे को बहुत खराब लगा, तुम से आवाज हम लोग एकदम डर गए थे। हम लोग पाँव में उस टाइम ऐसे दौड़ के आए, पाँव में चप्पल भी नहीं पहने, कुछ नहीं पहने, ऐसे ही हाथ में आटा हाथ लगा ऐसे आ गए। तो देखा तो संजय गांधी मुंह लेफ्ट साइड को रखा, लेफ्ट पाँव ऐसे बाहर, इतनी बुरा हालत सीन देखा। उसके जहाज ऊपर से आया और ये जो पेड़ है, बड़ा पेड़ आप देख रहे हैं जो कि अब ड्राई कर गया है, इसके काफी ये तने थे
तो इन तलों से टकरा के, और ये बिल्डिंग है छोटी सी पुरानी उनकी, उससे भी ये टकराया, और उसके बाद आगे जाके उसके कुछ इंजन वगैरह कुछ आगे जा पड़े, कुछ रैकेज वगैरह इधर गिर पड़ा। तो इस तरह से जहाज स्प्लिट करके इसी एरिया में वो सारा बिखर गया। हम लोग तो देख ही रहे थे, लेकिन एकदम से फिर हल्ला मचा, भाग के सीधे पहुंचे। मैंने करीब 150 मीटर दूर से चाणकपुरी थाना जो है उनसे देखा एक जहाज गिर रहा है। तो जब तक हम घूम के इंटरनेशनल हॉस्टल के सामने से वहां पहुंचे तो दूर से लोग बोले थे, अरे संजय गांधी का प्लेन, संजय गांधी का प्लेन। तो और हमारे मन में आया तो बिल्कुल नज़दीक से जाके देखा हमने तो संजय गांधी का प्लेन गिरा हुआ था, उनके साथ एक पायलट और था। संजय गांधी की का क्रैश हुआ उस वक्त मैं बीबीसी में था मार्क टली के साथ, और मार्क टली को मैंने ही फ़ोन करके बताया था कि संजय गांधी मर गए। संजय गांधी की देहांत जो हुआ, उसका हवाई जहाज का दुर्घटना जो हुआ था, मैं वहाँ गया, मैंने संजय गांधी के जो देख लिया, और मैंने देख लिया कि इंदिरा गांधी को बहुत बहुत दुख था, उसमें तो बहुत ट्रेजेडी था इंदिरा गांधी के लिए। जिसे का क्रैश होता है उसके पास एक हमारे दोस्त रहा करते थे, उन्होंने फ़ोन किया था, न सिर्फ क्रैश हुआ है बल्कि वो मर गया। अच्छा, सो फिर मैं पहुंचा वहाँ पे। देखते ही देखते नेहरू गांधी परिवार का एक ऐसा चिराग बुझ गया जो भारत की राजनीति में बहुत ही तेजी से उभर रहा था, जो इंदिरा गांधी की ताकत बन चुका था। आप सब जब वापस जाएं, जितने युवक आपके इलाके में हैं, सबको ये समझाएं कि वो मुल्क को बनाने के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं। इंदिरा गांधी बहुत उनके उनके ऊपर निर्भर करने लगी थी। श्रीमती गांधी ने करीब करीब उनके हाथ में पूरा संघर्ष का दौर सौंप दिया था। He was becoming so popular, इतना popular हो चुका था, लोग उमड़ते थे देखने के लिए। इंदिरा गांधी अपने छोटे बेटे संजय गांधी में आने वाले कल के प्रधानमंत्री की छवि देखने लगी थी। एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो वो इंदिरा जी के नंबर दो रहते, वो इंदिरा जी के बाद पूरा कांग्रेस का और देश का काम जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है उनके हाथ में आता। फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर था देश का, पक्का था, कोई रोक नहीं सकता था। तो आप एक कट्टर फैसला करने की दहेज मिटाना है, और एक दफे फैसला कर ले तो उस पर डटे रहे। उसे बड़ी उम्मीद थी उस समय लोगों को, वो कहां होते, वो पूरा देश समझ रहा था कि संजय गांधी कहां होते। इंदिरा गांधी को अब तक का ये सबसे बड़ा झटका था, एक मां होने के नाते भी और राजनीति के लिहाज से भी। उनका जो अपना दर्द था, उन्होंने दर्द उन्होंने अपने दिल में ही रखा, लेकिन आप उनके चेहरे से महसूस कर सकते थे या उनकी बातचीत के मन से कि वो काफी इससे हिल गई थी, उनके मन में बहुत भारी चोट थी। संजय गांधी की अचानक मौत से मिसेज गांधी का भी मन कहीं ना कहीं मर गया था। उसको गम बहुत था अपने लड़के। एक सफदरजंग रोड, इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री निवास, साल 1980 जनवरी का महीना। इमरजेंसी खत्म होते ही चुनाव हारने के 3 साल बाद इंदिरा गांधी की सत्ता में जोरदार वापसी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी अमेठी से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे।
पार्लियामेंट का चुनाव जीत कर आए थे और मिसेस गांधी दोबारा पावर में आई थी, तो उस वक्त सबका ये ख्याल था, सारे जर्नलिस्ट का, कि अब ये जीत के आ गए, मिसेस गांधी पावर में आ गई हैं दोबारा, अब संजय गांधी को कोई नहीं रोक सकता और ये जो है बहुत बड़ा लीडर होगा इंडिया से। मिसेस गांधी हालांकि अपने बच्चों को, दोनों को, बेटों को प्यार करती थी, लेकिन वो संजय का बहुत करती, संजय उनका उत्तराधिकारी था।